अगर हम फाइटर जेट से या प्लेन से किसी भी चीज की निगरानी करेंगे, अब युद्ध में लेके जाएंगे, तो वहां पर उसमें ज्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन इसके जो उड़ान भरने में रहता है वो खर्चा कम आता है। यह ड्रोन कई घंटों तक, लगभग 27 घंटों तक हवा में रहने की क्षमता रखता है, और इसकी जो स्पीड है यह लगभग 450 किलोमीटर पर आवर की है। यह मतलब एक घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल कर सकता है, और 27 घंटों तक लगातार यह किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि यह कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो यह 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। अगर किलोमीटर में बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर बनता है। इस ड्रोन के पास इतनी कैपेसिटी है कि यह इसमें सबसे ज्यादा बम और मिसाइलों को अटैच किया जा सकता है, जिससे अगर कभी जरूरत पड़ती है, भविष्य में लड़ाई होने की चांस बनते हैं या कभी भी युद्ध के चांस बनते हैं, तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा बॉम्ब लगाकर और ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को लगाकर इसमें हम युद्ध को जो है वो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा बम और ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें अटैच किए जा सकते हैं। Q9 ड्रोन पिन पॉइंट अटैक करता है, मतलब अगर एक बार निशाना लगा लिया, एक बार आपको लॉक कर दिया, तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता इसको मारने से। भगवान भी कहेगा जब आप मौत को मुंह में ले रहे हैं तो क्या है, झेलिए इसको, लीजिए, आइए, हम तुम्हारा यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट निशाना लगाता है, इससे कहीं भी आप बच नहीं सकते हैं। अगर एक बार इसने देख लिया तो मतलब आपको मारना निश्चित है। ये किसी भी चीज को अगर इसने लॉक कर लिया तो मतलब उसका खत्म होना तो निश्चित ही है। तो इतना घातक है MQ-9 ड्रोन।